The Daily Show with Munir Memon. प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। जो कुछ इस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हवाले से मामलात सामने आ रहे हैं, जो कुछ इस वक्त इस्लामाबाद में हो रहा है, पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है, सवाल से मजीद गुफ्तगू करेंगे। और हमने जैसे कि पहले ही बताया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से मजीद मोहलत दी गई है खान साहब को कि वो अपना तहरीरी जवाब दाखिल कराएं। इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब काजी समी सीनियर साहब, इतजाकार हैं, इनसे जानते हैं कि जो मोहलत दी गई है और जो केस है इसकी नौयत में अब कुछ तब्दीलियां आई हैं, ये क्या आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? काजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। काजी साहब, ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से आज बड़ी अहम समाअत की गई, बड़े जबरदस्त रिमार्क्स थे, बड़े कुछ अगर एक लॉ के स्टूडेंट के हैसियत से बात करें तो बहुत कुछ सीखने को है इस तमाम तर समाअत के दौरान। बिल्कुल ऐसा ही है, और लेकिन इसमें बहुत सी बातें आप देख रहे होंगे, बहुत से पहलू ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिस पर जो है अदालतों को जो है वो काफी गैर मामूली तनकीद का सामना है। तो जो रिमार्क्स जिस तरह के जज साहिबान दे रहे हैं तो उस पर भी उनको काफी जो है उस पर काफी जो है कहते हैं ना कि वो लेकिन काजी साहब, हमारे यहाँ तो अदालतों को तनकीद हमारे यहाँ तो बनाना एक फैशन सा बना हुआ है। अगर एक जमात नहीं बनाती तो दूसरी बना देती है, दूसरी बना देती है तीसरी बना देती है, ये तो हमारे एक ट्रेंड है, एक फैशन है, लोग इसको समझते हैं। नहीं देखे मेहमान साहब, बात यूं है कि जिस तरह के रिमार्क्स दिए गए, यानी कि इमरान खान के मामले को या उसके केस को तो इन अदालत के जो मामला है उसको इस अंदाज में देखा जा रहा है। तो आपने देखे जज का काम है कि वो, अदालत का काम ये है कि वो कानूनी पहलू को देखे बस जी, वो जज्बाती और सियासी पहलू को ना देखे कि आपके सामने कितना बड़ा लीडर आ रहा है, किस काट का आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है। ये रिमार्क्स तो जजों को जो है वो मुनासिब नहीं है जज साहिबान के लिए। तो लिहाजा जो अदालत में या अदलिया में जो भी मामला देखे जाते हैं वो खालिस्तन आईनी और कानूनी तनाजुर में देखे जाते हैं, उसमें जज्बाती पहलू या सियासी पहलू जो है वो नहीं होते हैं। लेकिन आपने देखा कि गुज़श्ता रोज जो देखा आपने और जो एक हफ्ते की मोहलत दी और उस पर जो रिमार्क्स दिए जा रहे थे, तो उससे अंदाजा होता है कि अदलिया जो है इस मामले को फिल वक्त जो है वो जज्बाती और सियासी अंदाज में देखती हुई नजर आई है। अच्छा काजी साहब, ये समझाएं कि हमने जब इस तमाम तर केस की अब तक जो समाअत हुई है, कभी ऐसा लगता है कि खान साहब को के ऊपर तनकीद की गई है तो मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जमातें बहुत खुश होती हैं, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे होते हैं, और फिर कभी ऐसा लगता है कि खान साहब के हक में चीजें जाने लगी, जैसे कि कल जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसकी तरफ से जो रिमार्क्स जो आज सामने आए कि क्या खान साहब के पास कोई क्लाशनकोप बरामद हुई, कोई खुदकश जैकेट बरामद हुआ, जब इस तरह के रिमार्क्स आते हैं तो फिर दूसरा कैंप नाराज हो जाता है। तो ये केस का फैसला किस रुख होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए फैसला तो अदलिया ने करना है, और वो अब तक अगर जहां तक तौहीन अदालत के मामला वो देखे जाए, दानियार अजीज को देखा जाए या तलाल चौधरी के या निहाल हाशमी एडवोकेट के मामले को देखा जाए और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन मौजूद है, अगर उस तनाजुर में देखा जाए और फिर इमरान खान के माजी में तौहीन अदालत पर गैर मशरूत माफी को भी देखा जाए, उस तनाजुर में तो देखा जाए कि मामला बड़ा संगीन है और इमरान खान के लिए खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन अदलिया अब क्या फैसला करती है, इमरान खान माफी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, उस माफी को वो अदलिया जो है वो फोन कर तस्लीम करती है या नहीं करती है, मंजूरी देती है या नहीं देती है, तो ये तो खैर अदलिया ने फैसला करना है, कबल वक्त हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जहां तक आपका जो पहला सवाल था कि अगर रिमार्क्स अगर इमरान खान के खिलाफ आते हैं तो पीडीएम यानी इमरान खान की जो मुखालिफ पार्टियां हैं वो एक ट्रेंड चल पड़ता है, इसी तरह अगर इमरान खान के हक में आते हैं तो फिर वो इमरान खान की मुखालिफ पार्टी जो है वो इमरान खान के उस पर वो खुश हो जाते हैं। तो पाकिस्तानी सियासत इस वक्त दो बड़े सियासी फिरके में तकसीम हो चुकी है, यानी सियासी फिरका हम कहेंगे इसको, कल्ट कहेंगे, कल्ट तो दो बड़े सियासी फिरकों में तब्दील हो गई है, और अब जो है वो नजरियाती सियासत नहीं हो रही। आप यूं समझे कि आप सियासी फिरका वारियत जो वाली जो है वो सियासत है, जिस तरह आप देखते थे कि एक जमाने में उलमा जो है फिरका वारियत में उलमा इकराम जब एक दूसरे के मसालक के खिलाफ तकरीर किया करते थे, दूसरे मसालक के लोग बड़े जज्बाती हो जाते थे, तो इसी तरह आप सियासत में भी जो है वो सियासी तफरकाबाजी जो आई है उससे जो है वो सियासी जज्बातियत जो है वो बहुत बढ़ रही है, और ये मुल्क की रियासती जो है सियासी हलकों के लिए भी और पाकिस्तानी रियासत के लिए भी और पाकिस्तानी सियासत के लिए भी बड़ा नुकसान दे। काजी साहब, आम हलकों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि शायद अवामी मकबूलियत जिस वक्त खान साहब के पास मौजूद है, जो शायद माजी में जब इस तरह के फैसले सुनाए गए तो उन हुक्मरानों के पास या उन लीडरान के पास उस तरीके की अवामी मकबूलियत नहीं थी, तो क्या ये भी एक बड़ा किरदार अदा कर सकती है इस फैसले के ऊपर?
देखिए अवामी मकबूलियत की बात करें तो आपको जुल्फकार अली भुट्टो याद होंगे, तारीख का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे साबिक वजीर आजम है। मैं नहीं समझता कि जुल्फकार अली, लेकिन मैं मौजूद नहीं था उस वक्त काजी साहब, आप अगर बेहतर बता दें कि जब वो फैसला आया तो क्या वो अवामी मकबूलियत इसी नौयत की थी या इससे ज्यादा? उस वक्त माशाल्लाह का दौर था, एक फौजी हुकूमत थी और फौजी हुकूमत ऐसी हुकूमत थी जब आजादी इजहार राय पे भी कदगन थी, अखबारात में उस दौर में जो है वो बहुत सी जगहें खाली छपती थी, तो उसका मतलब ये होता था कि रात को इस जगह से कोई खबर उखाड़ी गई है या कोई मजमून उखाड़ा गया है, तो वो जगह एहतजाजर अखबार वाले खाली शाया कर दिया करते सही। तो उससे अंदाजा होता था कि इस अखबार की फला खबर किसी ना किसी खबर को आज उखाड़ा गया है। तो इसी तरह उस दौर में साथियों को कोड़े भी पड़े गए, कोड़े भी मारे गए और उनको पड़े गए और उनको जो है वो, तो आज का दौर जरा मुख्तलिफ है। तो उस दौर में भुट्टो साहब अवामी मकबूलियत रखते थे, उसके बावजूद उनको फांसी की सजा हुई और किस केस में हुई वो भी आज तक जो है वो अदालती मामलात में बतौर मिसाल पेश नहीं किया जाता है। तो अवामी मकबूलियत की बुनियाद पर अगर कोई जुर्म करता है या अगर किसी पे इल्जाम लगता है किसी भी तरह का, तो अवामी मकबूलियत की बुनियाद पर तो उसे नहीं छोड़ा जाता। देखिए लीडर होता है, लीडर रियासत नहीं होता, रियासत में लीडर होते हैं, लीडर रियासत के लिए होते हैं। तो रियासत जो है वो लीडर के लिए नहीं होती, लीडर रियासत के लिए होते हैं। तो काजी साहब अगर मैं ये कहूं कि अभी जो अदालती मामला चल रहे हैं, जो एक हफ्ते की मोहलत दी गई है, इस एक हफ्ते की मोहलत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतवक्के स्टांस आपको क्या नजर आता है अगर खान साहब की पर्सनालिटी को देखा जाए? जिस तरह देखें हामिद खान साहब एक अच्छे वकील है और बड़े मंझे हुए वकील है खान साहब के, तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब जैसे वकील है और फिर इमरान खान जिस तरह फवाद चौधरी से मुतल्लिक हामिद खान साहब ने जो कोर्ट में कहा और उसमें कोर्ट में वह कहका भी लगा, तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब जो है वो गैर मशरूत माफी की तरफ जाएंगे, गैर मशरूत माफी की तरफ चले जाएंगे। आपको लगता है कि खान साहब लिख तहरीरी तौर पे देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार होंगे और मैं ये समझता हूँ कि अगला जो जवाब आएगा और एक हफ्ते की जो मोहलत दी गई है उस तनाजुर में ये लगता है कि वो गैर मशरूत माफी की तरफ जाएंगे। अब ये देखना है कि अदालत उसको किस तनाजुर में देखती है, क्योंकि अदालत पर भी अब बहुत ज्यादा दबाव आ गया है क्योंकि तलाल चौधरी, दानियाल अजीज और निहाल हाशमी का केस उनके सामने है और उनमें जो सजाएं दी गई है वो भी सबके सामने है, तो अब अदालत के लिए भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन अदलिया कुछ भी कर सकती है, जाहिर है अदलिया का ये इख्तियार है कि वो उसको माफ भी कर दे और अगर चाहे तो वो सजा भी दे। अच्छा कज़ब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग इस तमाम तर अदालती कार्रवाई के दौरान रिमार्क सामने आया कि जो रात गए अदालतें खोली गईं, उस हवाले से भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दिया गया, आपकी भी नजर से गुजरा होगा। उस रिमार्क्स के बाद यकीन तौर पे बड़े सारे हलकों में बहस जारी है कि वो रिमार्क्स किस हद तक वैलिड है या उसके बाद अब असरात क्या होंगे, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग रिमार्क्स है वो। हाँ देखे, ये बिल्कुल ऐसा है, वो यूं देखे कि अगर वो हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तहत था, अगर मुल्क में कोई गैर जमहूरी या गैर सियासी सूरत हाल पैदा होती है और या आइन को पामाल किया जाना किया जा रहा हो, तो उस सूरत में जो हंगामी नौयत में जो है अदालतें खुलती हैं, और अदालत ने अपने रिमार्क्स में भी यही तासुर देने की कोशिश की है कि मुल्क में उस वक्त जा रहे मुश्किल हालात थे और मुल्क जो है जो आइन जो है आइनी हालात बड़े कशीदा हो रहे थे, जिस तरह जाहिर है आप देख रहे थे अपनी हुकूमत बचाने के लिए इमरान खान साहब गए हुए थे, दूसरी तरफ पीडीएम जो है और वो सोमोटो केस चल रहा था उनकी असेंबली तहलील करने के हवाले से और वो कासिम सूरी की जो है साबिक डिप्टी स्पीकर की, तो उस तनाजुर में जाहिर एक माहौल बन रहा था कि कहीं कोई 99 वाली फिजा ना बन जाए या इस तरह का कोई मामला ना हो जाए या दूसरी तरफ से कोई गैर आइनी अमल ना आ जाए, ये इस तरह की चीजें थी। तो उस तनाजुर में जाहिर है हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तहत अदालतें खुलती हैं और मुहज़्ज़िब माशरों में भी ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता है। और खान साहब, ये जरा आखिरी में एलैबोरेट कीजिएगा ना कि अब हम देख रहे हैं कि खान साहब एक जानब जलसे भी कर रहे हैं, दूसरी जानब सैलाबी जो मामलात हैं, जो लोग इस वक्त मुतासर हैं उसके हवाले से इमदाद का सिलसिला भी जारी है और पाकिस्तान की दीगर तमाम दर सियासी जमातों के हवाले से ये जारी है। आपको लगता है कि ये जैसे ही हफ्ता 10-15 दिन की गुजरेंगे, जैसे ये बारिशों और सैलाब का जोर थोड़ा कम होगा, तो फिर हम एक बार ये एग्रेसिव सियासत के ऊपर सियासत नजर आएगी, एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने ये सियासी जमातें खड़ी होती हुई नजर आएंगी? देखिए, साल डेढ़ साल मजीद जब तक इंतखाबात नहीं होते, इंतखाबात कबल वक्त होते हैं या अपने वक्त पर होते हैं, दोनों सूरतों में आपके हाथ जहराना सियासत रहेगी और दोनों जानिब से रहेगी और खान साहब का जहराना मिजाज आपको मालूम है। तो इन हालात में
जो है वो सियासत इसी तरह रहेगी। लेकिन इन हालात में अगर आप कह रहे हैं कि ये सियासत जा रहा है ना रहेगी, तो हम ये देखें ना कि हुकूमत की जानिब से आवामी रिलीफ के लिए तो आज भी कोई काम नहीं किया जा रहा। बिजली की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, बल्कि आज शायद काकान अब्बासी साहब ने तो एक बड़ा स्टेटमेंट भी दे दिया कि खान साहब ने अपनी सियासत बचाने के लिए मुल्क से दुश्मनी की और जो चीज़ों की कीमतें बढ़ानी थी वो ना बढ़ाई। तो आपको नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव जा सकता है आगे चल के? बिल्कुल जा रहा है, और नेगेटिव हुकूमत इसकी जो है हुकूमत में शामिल और हुकूमती जमातें जो है इसका खामियाजा भी भुगत रही है, उनको नुकसान भी हो रहा है, उनकी मकबूलियत को नुकसान हो रहा है, उनकी शोहरत और इत्यादि जमातें इसका बोझ उठाने के लिए तैयार होंगी इतने देर तक? किस वक्त तक उठाएंगे? 6 महीने 8 महीने 10 महीने? एक वक्त आएगा जाहिर है वो भी सिलेंडर कर देंगे। अवाम के सामने तो कोई भी नहीं टिका, लेकिन मसला ये है कि अहल पाकिस्तान की जो सियासत है, चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमत हो, वो अवाम तो उनका सब्जेक्ट है ही नहीं, अवाम को एड्रेस ही नहीं करते वो। ये आप देखते हैं इनके इंतखाबी मंशूर कुछ और होते हैं और इनके पॉलिसियां कुछ और होती हैं। यानी हुकूमत इंतखाबी मंशूर अगर आप इनके स्टडी करें और बाद में इनकी हुकूमत में आने के बाद इनकी जो पॉलिसियां हैं अगर आप उसको स्टडी करें तो आप उसमें काफी तजाद पाएंगे। तो इस तो पाकिस्तान में जो है अमली सियासत जो है वो बड़ी तजाद का शिकार है। ठीक हो गया काजी साहब, आपके वक्त का, आपके मौकफ का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन तौर पर बड़ी इंटरेस्टिंग आपने जो तस्वीर पेश की, और ये बात यकीन तौर पर अहम है कि आला अदलिया की जानिब से अक्सर इकदाम जो किए जाते हैं वो आम आवाम या हर किसी की उस वक्त समझ आ जाए ये ज़रूरी नहीं होते, और हमारे मुल्क में जो इन आला अहदों पर लोग फायज होते हैं उनकी जानिब से अक्सर इस तरह के इकदाम होते हैं जो वक्ती तौर पर हमें कहीं ना कहीं कुछ तबके को, कुछ सोसाइटी के हिस्से को शायद समझ ना आ रहे हों, शायद उनको उससे तकलीफ भी पहुंच रही हो, लेकिन उसके जो देर पर नतीजे होते हैं, जो असरात होते हैं, वो मुल्क को और कौम के लिए मुस्बत होते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो कुछ हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान मजीद मुस्तहकम हो, पाकिस्तान में रहने वाले खुश रहें, आबाद रहें। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मुनीर को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।